आगे बढ़े, बात करते हैं सीतापुर से आई खबर की। आजम खान से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। देखिए, सपा विधायक अरमान खान और रविदास मेहरोत्रा शामिल हैं इसमें। सुबह 11 बजे मुलाकात करने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल सीतापुर जेल जाएगा आजम से मुलाकात करने के लिए। शुक्रवार को शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी, सवा घंटे से ऊपर की मुलाकात थी उनकी, और एबीपी गंगा पर जुड़कर ही कहा था कि हम भी रविवार को मुलाकात करेंगे आजम खान से। और इसी तहत देखिए ये खबर भी है, जहां सुबह 11 बजे मुलाकात करने प्रतिनिधि मंडल सपा का पहुंचेगा। खबर फतेहपुर से है। दिन दहाड़े एक लड़की को अगवा कर धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। लड़की की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे उसके परिजनों ने देखा और लड़की को अगवा करने आए दोनों बाइक सवार युवक घर वालों को देखकर फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने थाने में दोनों युवकों के साथ चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मामले में अयाज शाह विधायक विकास गुप्ता का कहना है कि वो इस शिकायत को डीएम से पहुंचाएंगे ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके, जबकि जिले की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने धर्मांतरण की कोशिश करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर तक चलाने की चेतावनी दे डाली है। वहीं डीएमएसपी ने बताया कि गाजीपुर में लड़की को जबरन अगवा करने की कोशिश का केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवर्तन तो निंदनीय है और एक अपराध के श्रेणी में आता है, और मैं जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करूंगा, इस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, और नहीं हो पाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी कहूंगा, इस पर जाँच कराकर और जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। यही सपा की सरकार होती तो कोई पकड़ा नहीं जाता, ना कोई कार्रवाई होती, ठीक है ना। कम से कम ये जानकारी हो रही, सरकार कार्रवाई कर रही, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और ऐसा कोई भी हरकत करेगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई, और ये सही कर रही होगी। जिस तरह का काम करने वाले को बुलडोजर चलना ही चाहिए। थाना गाजीपुर पर एक लड़की को जबर अगवा करने का अभियोग वंचित किया गया है एवं धर्मांतरण कराने का भी प्रयास किया गया था। अभियोग को तरमीम कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।